अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं, कैसे हैं। कल मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, बीपी मेरा थोड़ा हाई हो गया था, तो इसीलिए रमज़ान में होता है ऐसा। आज मेरी तबीयत सही है तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। अफ्तारी कर ली मैंने, अभी ये दिखा रही हूँ मैंने बिरयानी, दही पेड़े, तरबूजा, सलाद और कस्टर्ड सेवइयों में, और ये तरबूजा सालन मुर्गी का, ये शरबत। पूरी अफ्तारी की तैयारी मैंने कर ली। और अफ्तारी के टाइम पे इतनी नाना वो जल्दी जल्दी होती है कि बस टाइम होता है इतने खाने बनाना, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतने ज़्यादा आना ड्यूरेशन में आना रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम पे मुझे आना टाइम की बड़ी आना वक्त वो। आज मेरी तबीयत सही थी, चेहरे में भी लग रहा है, तो कल इसीलिए नहीं बना सकी क्योंकि शॉपिंग भी चल रही थी, थकावट भी बहुत थी, तो इसीलिए नाज़रीन मैं नहीं आना कल अपलोड कर भी सकी थी वीडियो। आज बना रही हूँ वीडियो, तो आना जैसे मुझे टाइम मिलता है। रमज़ान में शेड्यूल बड़ा बिजी जाता है ना इंसान का, काम बढ़ जाते हैं, भाग दौड़ बढ़ जाती है घर में, और रोज़े रहते इबादत करनी पड़ती है, नमाज टाइम पे पढ़नी पड़ती है, तो इसीलिए वैसे तो रेगुलर तो टाइम का कोई वो नहीं, चलो नमाज का होता है, लेकिन ये मसला है कि आना काम काज ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो इसीलिए उसमें थोड़ा मुझे आना टाइम का प्रॉब्लम होता है। नहीं तो मैं आज जितना भी खाना जितना फूड बना रही थी ये आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाती, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं एक ही होती हूँ, रिकॉर्ड भी मैं करती हूँ एडिट। जी नाज़रीन, तो अभी मैं बिरयानी निकाल रही हूँ, थोड़ी सी बस खाती हूँ, इतनी सी नहीं, और अब सलाद थोड़ा निकालूँगी, ये दो तीन और पत्ते बस, ये सलाद से अच्छा लगता है। अभी मैं बहन को निकाल के दे रही हूँ। क्या चाहिए सिस्टर आपको? सालन भी चाहिए? चम्मच लेके आओ तो सालन दे दो निकाल के ना। अभी अपनी फैमिली के साथ मैं इफ्तारी कर रही हूँ नाज़रीन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अभी नमाज का टाइम होगा, नमाज इफ्तारी करके मैं नमाज पढ़ूँगी, तो फिर मिलते हैं। जी नाज़रीन, तो मैंने नमाज अभी पढ़ ली, अभी नमाज पढ़ के बस मैं अभी फ्री हुई हूँ, अभी सारा दस्तरखान से सामान जितना भी है ये अभी फ्रिज में रखूँगी, चीज़ें साइड पे कर लूँगी, फिर आप लोगों से और देखती हूँ क्या है क्या बातें करनी है, तो आप लोगों से बातें करती हूँ। जी नाज़रीन, तो अभी मैं सोफ़ों को भी साइड पे गदिया वदिया बना रही हूँ, अब फैमिली ने कर लिया है अफ्तारी, मैंने भी कर ली है, अब चीज़ों को समेट रही हूँ, जिनको बाद में खाना पीना अच्छा लगता है तो फिर वो बाद में फ्रिज में से निकाल के खाते रहेंगे, अभी मैं चीज़ों को जगह बनाऊँ फ्रिज में, अभी काफ़ी जगह भी नहीं है तो जगह बना लूँ फिर जिसको आज़ाद कर लूँ। ये अभी देखो मैंने रख ली चीज़ें, अभी ये चीज़ें उठा रही हूँ, आस्ता आस्ता करके सेटअप करके रख रही हूँ। फ्रूट सारे रख लिए, अभी शरबत रखना है, बाकी शरबत यहाँ टेबल पर रखती हूँ, जिसको भी ज़रूरत होगी घर की फैमिली को फिर वो भी दे रहेंगे। कस्टर्ड भी अभी रख लूँ, काफ़ी फैमिली अभी दस्तरखान पे आज नहीं थी, तो बाद में जैसे आते रहेंगे खाना खाते रहेंगे, चीज़ें जो भी खाने की चीज़ें चाहिए तो यहाँ से फिर जैसे निकालते रहेंगे।
फ्रिज में समेट रही हूँ। जी नाजरीन, तो अभी मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। नाजरीन, तो अभी मैं अम्मी का भी शाना लिए शॉपिंग करके आई। अम्मी का भी देना था सूट मुझे, अबू का भी, तो अभी ये मैं आना दे रही हूँ। अम्मी का है, अम्मी को ये कलर ज़्यादा पसंद होता था ना, तो ये कलर मैं अम्मी के लिए लेके आई हूँ। जी नाजरीन, मेरी अम्मी को ये कलर ज़्यादा पसंद होता था, तो अम्मी का यही मैं ईद का दे रही हूँ। ये कलर ज़्यादा पहनती थी, बाकी अबू के लिए तो वाइट कलर भी चलता है। अम्मी अबू के लिए भी हमें, क्योंकि अपनों को माना मैं मरहूमिन को याद है, माँ बाप को तो ज़रूर रखना चाहिए ना, तो इसीलिए अपन जब ईद आती है तो ज़ाहिर है अपने मरहूमिन की याद ज़रूर करनी चाहिए, माँ बाप को भी ज़रूर याद रखना चाहिए, गरीबों को। और अभी जैसे मुझे टाइम मिला तो मैं अपने माँ बाप के लिए भी शॉपिंग करके आ गई। उनके भी काफ़ी मुझे कमेंट आए थे, मैंने ये कहा था कि कमेंट में जो मुझे राय देंगे अपने जितने भी दोस्त, तो सब ने यही कहा कि कपड़े देने अच्छे होते हैं, पैसे देते हैं तो वरना कोई कपड़ा ना लेता है, कोई नहीं लेता, तो मरहूमिन तक वो पहुंचते हैं चीज़ें, इसीलिए कपड़े दे के अपने हाथों से देना चाहिए तो वो सही रहता है, इसीलिए फिर मैंने कपड़े ले लिए ना। और नाजरीन, आप लोगों को पता है कि मैं खुद ही एडिटिंग करती हूँ, वीडियो खुद ही बनाती हूँ, काम काज भी सारे किचन के मैं खुद, फूड वूड बनाना जितने भी फूड्स होते हैं, चाट होते हैं, बिरयानी होती है, कढ़ाई होती है, मैं खुद बना लेती हूँ। और काम से तो नहीं घबराती, लेकिन ये एक थकावट थोड़ी हो जाती है अफ्तारी के बाद, नमाज़ पढ़ के सारी चीज़ें समेट के साइड पे रख के फिर आना, आधा घंटा में फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत होती है, तो फिर आराम करती हूँ, फिर 8 बजे के बाद उठ के फिर अपने रूटीन में शुरू हम हो जाती हूँ। तो इसके साथ नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।